हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस प्रेजेंटेड बाय एएमएम पब्लिक स्कूल। तो क्लास सेवेंथ, आज आपकी क्लास है हिंदी की, हिंदी फर्स्ट। तो ओपन कीजिए अपनी हिंदी की बुक क्लास सेवेंथ। तो बच्चों, आप अपनी बुक का पेज नंबर 10 ओपन करेंगे। पेज नंबर 10 पर है आपका पार्ट 2, मेरा सबसे प्यारा ओलंपिक पदक। तो यहाँ पर जो जेसी ओवेंस हैं, उन्होंने जो ओलंपिक में भाग लिया था और वो कैसे उस पदक को जीते, तो उन्होंने अपनी कहानी इस पाठ में हमें बताई है। इसीलिए इस पाठ का नाम है मेरा सबसे प्यारा ओलंपिक पदक, कि उन्हें जो ओलंपिक पदक ओलंपिक जीतने के बाद मिला था, उन्हें वो सबसे प्यारा कैसे हो गया। तो यहाँ पर बताया गया है कि 1936 यानी कि सन 1936 में जो गर्मियों में बर्लिन में ओलंपिक खेल हुए थे, वहां पर जो जेसी ओवेंस हैं वो भी गए थे हिस्सा लेने के लिए। और उस समय वहां पर जो एडोल्फ हिटलर वहां का शासक था, उसका ये मानना था कि जो जर्मन के लोग हैं वो शासक प्रजाति के होते हैं, और जबकि जो दूसरे लोग ओलंपिक में खेलने के लिए आते थे वो उन्हें कोई खास उन्हें खास कोई ट्रीटमेंट नहीं दी जाती थी, यानी कि उन्हें खास तवज्जो कोई नहीं दी जाती थी, उनकी वहां कोई वैल्यू नहीं मानी जाती थी। उनका मानना था, जो हिटलर था उसका ये मानना था कि जर्मन खिलाड़ी ही सबसे श्रेष्ठ होते हैं और वो ही ओलंपिक जीत सकते हैं। तो जो जेसी ओवेंस हैं, उन्होंने इस पाठ में अपनी पूरी कहानी को बताया है। कहा कि जब वो ओलंपिक के लिए खेलने जा रहे थे तो वो बहुत चिंतित थे। उन्होंने 6 सालों तक ओलंपिक के लिए प्रशिक्षण लिया था, बहुत ही मेहनत की थी जिससे कि वो ओलंपिक जीत सकें। जब वो जहाज में बैठकर बर्लिन ओलंपिक के लिए जा रहे थे तो उनके मन में ये था कि मैं बहुत ही अच्छा खेल सकता हूँ और कम से कम 1-2 स्वर्ण पदक तो मैं जीतकर अपने देश लौटूंगा ही। इस इरादे से वो वहां जा रहे थे। और जो उनका खेल था, वो विशेषकर उनका जो रुचि थी वो लंबी कूद में थी। साल भर से पहले इसी कूद में उन्होंने 26 फुट 8.5 इंच यानी कि 26 फुट 8.5 इंच का नया विश्व कीर्तिमान यानी कि विश्व रिकॉर्ड बनाया था। तो इस तरीके से वो ओलंपिक में गए थे बर्लिन ओलंपिक के लिए खेलने के लिए। लेकिन जब वो वहां पहुंचे और वहां प्रैक्टिस चल रही थी, अगले दिन ओलंपिक होने वाले थे और जब वहां प्रैक्टिस चल रही थी तो एक लंबे से कद का व्यक्ति आया और उसने केवल प्रैक्टिस में ही 26 फुट की कूद लगा दी। उसे देखकर जो जेसी ओवेंस थे वो बहुत हैरान हो गए और पता लगाने की कोशिश करी कि ये कौन है। तो वो एक जर्मन खिलाड़ी था, यानी कि हिटलर के थ्रू ही वो आया हुआ था और उसका नाम था लुजलोंग। तो जो जर्मन खिलाड़ी लुजलोंग था वो भी लंबी कूद में बहुत ही श्रेष्ठ था। तो उसे देखकर जो जेसी ओवेंस हैं, उनकी जो चिंता है वो बढ़ गई कि अब मैं जीत पाऊंगा या नहीं, ये तो मुझसे भी बहुत अच्छा है लंबी कूद में। और जो लुजलोंग था उसका पहले कभी जिक्र नहीं हुआ था उनके सामने, जेसी ओवेंस के सामने, क्योंकि हिटलर ने ऐसा लग रहा था कि हिटलर ने उसे सबसे अलग रखा हुआ था जिससे कि वो अचानक से ओलंपिक में लुजलोंग को उतार सके और जिससे कि जर्मन खिलाड़ी ही जीत सके, जर्मनी की विजय हो। तो अब जो जेसी ओवेंस थे उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें, क्योंकि ये अब वो जानते थे कि यदि लुजलोंग जीत गया तो यहाँ से जर्मन की विजय हो जाएगी, जो हिटलर है उसकी विजय हो जाएगी। हिटलर अपनी देश की ही विजय कराना चाहता था। तो उन्होंने अपने मन में ठान लिया जेसी ओवेंस ने कि मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, मैं अपने देश का भी नाम ऊंचा करूंगा जिससे कि हिटलर जो है वो ऐसा ना कर सके। तो आगे जब इसी तरीके से प्रैक्टिस चल रही थी तो जो लुजलोंग था यानी कि जो जर्मन का खिलाड़ी था वो जेसी ओवेंस को देख रहा था। उसने जेसी ओवेंस से बात करने की कोशिश की, वो उनके पास आया। पहले जेसी ओवेंस से उन्होंने अपना इंट्रो दिया, अपनी बताया कि मैं लुजलोंग हूँ और तुम कैसे हो, तुम कौन हो, ये सब बातें करके उन्होंने उनसे बातचीत बढ़ाई। जो जेसी ओवेंस थे वैसे तो वो अंदर से खुश नहीं थे, लेकिन फिर भी उन्होंने उससे थोड़ी सी बातचीत की और आगे ऐसे बढ़ते गए। अब जो लुजलोंग था उन्हें पता चल गया कि जो जेसी ओवेंस है वो किसी बात से परेशान है। तो आखिर में उसने पूछ ही लिया कि तुम ये बताओ कि तुम किस चीज को लेकर इतने उदास हो और क्यों परेशान हो। तो पहले तो जो जेसी ओवेंस है उन्होंने बताया नहीं, लेकिन जो लुजलोंग है वो समझ गया। तो लुजलोंग ने खुद ही कहा कि मुझे लगता है कि तुम प्रैक्टिस में ज्यादा अच्छा नहीं कूद पाए, ज्यादा आगे तक नहीं कूद पाए, इसीलिए तुम परेशान हो।
तो जो जेसी ओवेंस हैं वो मतलब बहुत हैरान हो गए कि ये कैसे समझ पाए हैं। पहले उन्हें लगा कि कभी ये मेरा मजाक उड़ा रहा हो, लेकिन ऐसा नहीं था। जो लुजलोंग था वो बहुत ही अच्छा व्यक्ति था, जर्मन का बहुत ही अच्छा व्यक्ति था। उसके मन में मतलब दूसरे खिलाड़ियों के प्रति कोई मतलब विरोधी भावना नहीं थी। जैसे हिटलर था, विरोध रखता था, इस तरीके से जर्मन का वह व्यक्ति लुजलोंग बिल्कुल ऐसा नहीं था। उसके मन में सबके लिए प्रेम भाव था। उसने फिर जो जेसी ओवेंस थे उनको बताया कि तुम ऐसे चिंता मत करो, तुम्हारी जो लंबी कूद है वो भी बहुत अच्छी है और तुम मुझसे भी ज्यादा अच्छा कूद सकते हो। तो एक दूसरे देश का व्यक्ति, दूसरा प्रतिस्पर्धी होने के बाद भी, दूसरा विरोधी होने के बाद भी, जो लुजलोंग है उन्होंने जेसी ओवेंस की मदद की। अब इस तरीके से जेसी ओवेंस समझ गए कि जो ये लुजलोंग है ये बहुत ही अच्छा व्यक्ति है, ये बुरा व्यक्ति नहीं है। तो वह भी उससे मतलब बातचीत करने लगे बहुत ही अच्छे से। और जिस दिन ओलंपिक होने वाले थे उससे पहली रात को वो लुजलोंग के पास गए उसे धन्यवाद देने के लिए कि तुम मतलब मेरी इतनी मदद कर रहे हो तो बहुत ही अच्छी बात है। और जो लुजलोंग है उन्होंने जेसी ओवेंस की मदद कैसे की कि जेसी ओवेंस जो है या तो जब प्रैक्टिस के दौरान या तो बहुत आगे कूद पा रहे थे या बहुत पीछे, जहां उन्हें कूदना था वो वहां नहीं कूद पा रहे थे, या तो वो गुस्से में थोड़ा आगे कूद पा रहे थे या उससे पीछे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि मैं हार रहा हूं। तो इस तरीके से उन्हें अपने ही अंदर गुस्सा था। तो जो लुजलोंग है उन्होंने कहा कि तुम्हें जहां कूदना है तुम ऐसा क्यों नहीं करते कि उससे पहले एक रेखा खींच लो जिससे कि तुम जो है एक सही दूरी पर कूद पाओगे। तो ऐसा ही जो जेसी ओवेंस थे उन्होंने किया और इस तरीके से वो बिल्कुल अच्छी कूद पाए, जहां उन्हें कूदना था वो लंबी कूद वहीं तक कूद पाए। तो अगले दिन जब ओलंपिक होने वाले थे, ये प्रैक्टिस की बात चल रही थी, तो ओलंपिक होने वाले थे तो वो जो जेसी ओवेंस थे वो लुजलोंग के पास गए उनके कमरे में उन्हें धन्यवाद देने। और जेसी ओवेंस ने कहा कि यदि लुजलोंग तुम नहीं होते और तुम मुझे नहीं बताते तो मैं कभी भी मतलब फाइनल में नहीं पहुंच पाता, ओलंपिक के फाइनल में नहीं पहुंच पाता। इस तरीके से उन्होंने उनका धन्यवाद किया और वो दोनों बैठकर एक दूसरे से बातें करते रहे, खेल के बारे में, अपने बारे में, अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों के बारे में, यानी कि उनकी बहुत ही अच्छी मित्रता हो गई उसी रात। अब अगले दिन जब ओलंपिक का फाइनल था तो दोनों स्टेडियम में मिले और आपस में मतलब अच्छे से बात की। अब जो लुजलोंग थे उन्होंने जेसी ओवेंस को ये प्रेरित कर दिया था कि तुम्हें मुझे हराना है, तुम्हें मुझसे भी ज्यादा लंबी अच्छी कूद कूदनी है। अब जब लुजलोंग की बारी आई तो पहले लुजलोंग ने अपना ही कीर्तिमान यानी कि अपना ही विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिया, यानी कि जो उसका विश्व रिकॉर्ड था अब तक की वो लंबी कूद कूद चुके थे उन्होंने उससे भी लंबी कूद कूदी, यानी कि जेसी ओवेंस को अब उनसे भी ज्यादा लंबी कूद कूदनी थी। तो जेसी ओवेंस के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था, लेकिन क्योंकि उनकी मित्रता इतनी गहरी हो गई थी और लुजलोंग ने उन्हें बहुत प्रेरित किया था, तो जेसी ओवेंस ने 26'5" x 5/16 यानी कि 5 सही 5/16 इंच की ओलंपिक कीर्तिमान बनाया। अब जो अंतिम कूद थी वो जेसी ओवेंस की थी और वो सबसे बड़ी थी, यानी कि जेसी ओवेंस जो है वो जीत गए थे और लुजलोंग ने उन्हें बहुत ही मुस्कुराहट के साथ उनकी जो जीत की बधाई दी, जबकि वहां पर जो हिटलर है वो सामने बैठा हुआ था, यानी कि जो हिटलर से ना डर कर भी जर्मन के जो लुजलोंग थे वो हिटलर से बिल्कुल नहीं डरे कि वो हमारा शासक है, वो मुझे सजा भी दे सकता है, इस बात का ख्याल ना करते हुए उन्होंने अपनी मित्र की सहायता की और अपने मित्र को बधाई दी। तो जो जेसी ओवेंस हैं उन्होंने इस लेसन में ये बताया है कि खेल सिर्फ हमारे जीतने के लिए नहीं होते, खेल हमें ये भी सिखाते हैं कि हमें अपने जीवन में कुछ अच्छे लोग भी मिलते हैं जो हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब जो लुजलोंग थे उन्होंने अपने को हराकर जेसी ओवेंस को जिताया, तो इसीलिए जेसी ओवेंस ने उन्हें अपने जीवन में हमेशा याद रखा और उनकी बातों को अपने जीवन में उतारा जिससे कि वो आगे बढ़ सके, और जिन बातों का ज्ञान उन्हें नहीं था वो भी उन्होंने लुजलोंग से सीखी। तो इसी तरीके से इस लेसन के माध्यम से आपको ये बताया गया है कि खेलों में सिर्फ जीतना ही जरूरी नहीं होता, जरूरी होता है उनमें भाग लेना, क्योंकि उन खेलों में भाग लेने से चाहे भले ही हम जीते नहीं लेकिन हमें कुछ ऐसी बातों का ज्ञान हो जाता है जो हमारे जीवन में बहुत काम आती हैं, और हमारे जब हम किसी अच्छी एक लक्ष्य पर पहुंच जाते हैं तो वो बातें हमारे जीवन में बहुत ही
जरूरी होती हैं एक अच्छी मंजिल एक अपने लक्ष्य को पाने के लिए। तो इसीलिए खेल हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है और इनकी बहुत उपयोगिता है। तो बच्चों इस तरीके से ये लेसन आपका कंप्लीट होता है। आप कॉपी में सबसे पहले इस पेज की वन पेज की राइटिंग करेंगे, इस लेसन की वन पेज की राइटिंग करेंगे, उसके बाद आप शब्द अर्थ करेंगे और उसके बाद आप क्वेश्चन आंसर करेंगे। जो इस लेसन के क्वेश्चन आंसर हैं वो आपको फोटोग्राफ के द्वारा सेंड कर दिए जाएंगे और जो ये एक्सरसाइज वर्क है ये आपको केवल बुक में ही फिल करना है। थैंक यू बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ये आपकी यूटी तक का सिलेबस है, ये टू लेसन आपके यूटी में आएंगे तो आपको यहीं तक प्रिपरेशन करनी है। थैंक यू।